समान पूरा है नहीं तो उन्हें दुकाना पाई है सारे इतना सुलभ हुआ है ना दही है दही 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 है दही है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज है दिन छठा रोजा, ठीक हो गया। और अभी जो है ना 3:30 हो रहे हैं, अभी उठा मैं थोड़ी देर पहले, उठा नहीं, बोल के सोया नहीं था सारी रात सोया नहीं था मैं। बड़ी रूटीन खराब होती जा रही है। खैर अभी जो है ना हमने लेके आनी है दही, और ये बस मैं जैकेट लेने आया था वापस, मैंने कहा चलो ब्लॉग पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो सर्दी तो नहीं है उस साहब की वैसे, लेकिन अभी इस टाइम जो है ना मतलब थोड़ी सी ठंड होती है, थोड़ी हवा इस टाइम चल रही होती है, कोई इस टाइम की आप हवा इस टाइम एटमोसफेयर वैसे ठंडा होता है, गर्मी में भी होता है तो भी मतलब पूरा मौसम पूरी तरह से चेंज नहीं ना हुआ, इसलिए थोड़ी थोड़ी ठंड होती है इस टाइम पे, इसलिए जैकेट की ज़रूरत पड़ती है बाहर जाने के लिए। जैकेट पहनते हैं और फिर चलते हैं भैया, अभी फिर हम चलते हैं बाहर, बाहर जाके दही लेके आते हैं, फिर जो है ना सही करते हैं। अच्छा कल मुझे फिर गालियाँ पड़ गई हैं जी कि दही नहीं सही, तो आज फिर से दुकान चेंज किया हमने, अब देखो क्या बनता है आगे। दही अब घर वालों को पसंद आती है कि नहीं, मेरा ख्याल है मैं ना सारे दिन नहाने दही इनकी दुकान ही चेंज कर दें, दही की दुकान ही चेंज करते रहना मैंने सारा दिन नहा, इनको पसंद फिर भी नहीं आ रही। खैर हम जरा मैं बाइक चला लूँ क्योंकि बाइक पर ज़्यादा बातें नहीं है, ड्राइविंग के वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए। सहरी के अंदर दाल चावल, कई लोग दाल चावल नहीं खाते, पता नहीं क्यों, कहते हैं कि जी भाई मेरा पेट नहीं भरता उनका, और कई लोग कहते हैं कि जी हमें दाल चावल पसंद ही नहीं है, पता नहीं कि मुझे ना उससे बंदों से हैरत होती है कि यार चावल तो इतने मज़े की चीज़ है क्यों नहीं खाते तुम लोग। मैं मतलब मुझे रोटी ना दोगे चावल दो दी जाओगे तो मैं भाई खा ही जाऊँगा बस, चावल मुझे पता नहीं कि बहुत पसंद है, हम ऑब्सेस्ड विद चावल। तो अभी जो है ना हमारे पास है चावल और दाल, साथ में लस्सी एज़ यूजल, दही है और मावा पराठे हैं, और क्या इसका नाम है थोड़ा सा अपना सलाद है, खीरे हम खाते नहीं है, टमाटर हम खाते नहीं है, जो हमने खाना होता है वो है जी बंद गोभी और प्याज, साथ में नींबू थोड़ा टेस्ट के लिए ऊपर डाल लेते हैं, तो यही हमारा सलाद हो जाता है। खैर अभी जो हम सारी सैरी स्टार्ट करते हैं उसके बाद तुम्हें मिलता हूँ, ठीक है सैरी करके तुम्हें मिलता हूँ। ओके अच्छा यार देखो मेरे साथ इतना सुलभ हुआ है ना कि जिसकी हतरी होती है, एक मिनट के लिए भी उन्होंने सोने नहीं दिया मुझे, मतलब मैं 6 बजे सोने लगा तो क्या इसका नाम है 7 बजे ना बारिश होना शुरू हो गया, नींद नहीं आई, 8 बजे फिर ज़रा सी आँख लगी तो 9 बजे आगे ना आंटी ने उठा दिया मुझे। भैया ना अभी क्या सीन है कि मैं जहाँ भी उन्होंने ना मुझे उन्होंने बाहर भेजा कुछ सामान लेने के लिए, तो मैं बहुत सामान ले जा रहा हूँ, मैंने कहा साथ तुम लोग भी क्यों ले जाता हूँ ताकि थोड़ा सा मतलब ना बातें शातें कर लें हम इकट्ठे। खैर अभी जो सामान ले जाते हैं और फिर साथ तुम हो ही फिर जाना इकट्ठे सामान लेके आएंगे, और अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लाइक भी नहीं किया हुआ तो भाई करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, कुछ भी नहीं करते, देखो जरा पूरा ब्लॉग देखते समय थोड़ा थोड़ा सब कुछ देख के वो लाइक भी नहीं करते, और ये देखो जरा ये तो गलत बात है ना। अभी हम चलते हैं फिर और यार फिर जो है ना सामान लेके आते हैं, देखो ऐसे गालियाँ पड़ जाएगी। ड्राई फ्रूट ले लिया भाई जान, पता नहीं किस गलती ना दुकाना पाई हुई है, समान पूरा है नहीं तो उन्हें दुकाना पाई है, 8 दुकाना हूँ मैं फिरे फिर जाके मिली समान सारा ले लिया भाई जान, अब घर आ गया हूँ। तो देखो फिर कि ये जो है ना आलू काट के हमने रख लेने, उसे धो लेना और तुमने किसी बर्तन में डालने से ताकि तुम इसे उबाल सको, इसके अंदर उबाल लें ठीक है, उबलता है तब तक हम वेट करेंगे, और इसको मतलब जरा सा ज्यादा भी इसको उबाल नहीं देना, अगर कच्चा भी थोड़ा रहे तो कोई मसला नहीं, बस हमने इसे थोड़ा सा पकाना है ताकि जो है ना फ्राइज जो है ना इजीली हो जाए और अच्छा सा हो जाए। चेक कर रहे हो क्या बात है, फ्राइज जो है भाई जान हमारी उबल गई है, और अब इसको निकालते हैं, अभी तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। ओह पानी जो है हमने सारा स्टेन कर लेना है इसका, अब पानी स्टेन किया देखो हमने इसका डाल देना बाउल में, बाउल में अभी गीली गीली पड़ी रहने देंगे, कोई इसको टॉवल टूवल करने की जरूरत नहीं है, ये गीली गीली के साथ बहुत जाएगा, थोड़ा थोड़ा वो लग जाएगा पानी कैसे नाम है ऊपर क्या कहते हैं उसे, ऊपर थोड़ा बेसन को ये पकड़ लेगी तो ये अच्छा हो जाएगा, तो है ना इसको इसके ऊपर ही हमने सारा बेसन छिड़क देते हैं ठीक है। अब हमने इसके ऊपर इतना बेसन डालना है कि ये जो है ना जितना बेसन ये पकड़ ले, एक्स्ट्रा बेसन नहीं डालना और कम भी नहीं डालना ठीक है,
और इतना सा डाल चेक कर लेते क्या बनता है, ये जो है ना बाकी को देख लेंगे बाद में। जितना जितना बेसन उसने पकड़ा था पकड़ लिया, अब बल्कि काफ़ी पकड़ लिया, देखो जरा देखो काफ़ी बेसन चिपका होगा। अब ये जो है ना फ्राई होकर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डाल लेते हैं नमक, और इसके ऊपर मैं तो डालूंगा थोड़ी लाल मिर्च टेस्ट ताकि बने इसका, तो अगर आपने नहीं डाली तो ना डालना, कहीं मसाली है तो थोड़ा नमक डालेंगे उससे मतलब अच्छा बनेगा टेस्ट उसका। इधर जो मैंने घी रखा हुआ है गर्म होने के लिए, जब कुछ चीज़ें होती है ना ऐसी चीज़ें जिनका शक होता है कि भाई जान ये होगा नहीं वो होंगी कि नहीं क्रंची होंगी या नहीं, तो उसके लिए घी यूज़ करना चाहिए। कि चीज़ें उसमें फ्राई करते हैं घी ज़्यादा क्रंची करता है, ऑयल की नस्बत घी ज़्यादा अच्छा क्रंच देता है फ्राई होने चीज़ को, ठीक है याद रखना अभी बात। फ्राइज कुछ पड़ी हुई है और कुछ जो है ना कर लिया फ्राई, और ये जो है ना इसको खुली हवा इसलिए दे रही है भाई ताकि थोड़ी क्रंची हो जाए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ढीली रहती है इस टाइम पर, ठीक है ना। तो इसके बाद क्रंच बात हवा लगेगी ना थोड़ी थोड़ी हो जाएगी, टाइट हो जाएगी और इसको जो है ना क्रंची हो जाएगी, ठीक हो गया। आज फिर पढ़ के ना जो है हम इफ्तार करते हैं, और अभी इफ्तार का टाइम हो गया, स्नान हो रही है पीछे, फिर फटाफट से नमाज पढ़ के इफ्तार करते हैं, और क्या कुछ भी नहीं। आ जाए भाई जान इफ्तारी के अंदर टैंक हमारे पास, और वो खजूरें पड़ी हुई हैं, वो फराज भी कचौरी खा रही है, कचौरी है और दही बन रहे हैं। दही बल्ले के साथ भाई गुजारा नहीं होता बगैर उसके, क्योंकि तुम्हें पता है कि रमजान में जो है ना दही बल्ले लाजिम, ठीक हो गया। और हमारे पास हरी फ्राइज, ये हरी फ्रेंच फ्राइज के स्टाइल से बनाई मैंने, और ये पाकिस्तानी स्टाइल में बनाई है मैंने। ये जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा लगा हुआ बेसन ज़्यादा, और ये थोड़ी फ्राई ज़्यादा हुई है, थोड़ी रेड कलर की ही हुई है, और ये फ्रेंच फ्राइज है थोड़ी सी लाइक इसके अंदर जो है ना थोड़ा बेसन कम लगा हुआ है, और ये फ्राई थोड़ी सी लाइट में हुई है, अंदर से पूरी पकी हुई है लेकिन इसके अंदर जो है ना मतलब उसका कलर जो है ना थोड़ा इसका लाइट है। भाई जान अभी करते हैं इफ्तारी, और फिर जो है ना तुम्हें मिलता हूँ मैं, क्योंकि किस टाइम मिला भी रहने करो यार, मतलब उस टाइम कलियाँ भी रहने दिया करो यार, मैंने ये हो गया था जो है, तो मैं करता हूँ इफ्तारी और फिर जो है ना तुम्हें मिलता हूँ मैं, ओके। अरे ये था जो लोग, उम्मीद है तुम लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, आया तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को लास्ट में दबा देना ताकि तुम्हें पाकिस्तानी व्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिल जाए जो मैं आगे पोस्ट करने वाला हूँ। और तुम्हें पता है कि मैंने ये चैनल स्टार्ट किया हुआ है कि रमज़ान मुबारक में सारे के सारे रोज़ों के मतलब सारे के सारे व्लॉग डाल लें, तो अगर तुम्हारे किसी फ्रेंड्स को नहीं पता भाई जान उसे शेयर करो यार, उन्हें ग्यारह हफ्ता से लिए शेयर किया करो भाई, क्या कर रहे हो, और सब्सक्राइब भी करो चैनल को, और क्या इसका नाम है फिर हम भी ठीक है, क्योंकि हम भी ठीक है तुम भी ठीक हो, ओके अल्लाह हाफिज़।